दुनिया भर के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। भारत में आयोजित हो रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को लेकर क्रिकेट जगत की प्रमुख टीमों के दिग्गज खिलाड़ी फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगाज शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, जिसमें पहले ही मैच में अपने दौर में कमाल दिखा चुके खिलाड़ियों ने जलवा दिखाया। वहीं जहीर खान ने भी गेंदबाजी के साथ ही फील्डिंग में भी जलवा दिखाया। इंडिया लीजेंड्स और वेस्टइंडीज लीजेंड्स के बीच खेले गए पहले ही मैच में दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी बढ़ती उम्र को धता बताते हुए जोरदार कमाल दिखाया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने तो गेंदबाजी के साथ ही अपनी फील्डिंग से भी जोरदार छाप छोड़ी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान इस टूर्नामेंट में भारत लीजेंड्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहीर खान ने गेंदबाजी में तो अच्छा काम करते हुए 2 विकेट हासिल किए, लेकिन साथ ही उन्होंने फील्डिंग से युवा खिलाड़ियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत लीजेंड्स के तेज गेंदबाज जहीर खान ने मैच के दौरान वेस्टइंडीज लीजेंड्स के बल्लेबाज रिकार्डो पावेल का एक जबरदस्त कैच भी पकड़ा। मैच के दौरान मुनाफ पटेल की गेंद पर रिकार्डो पावेल ने गेंद को फाइनल लेग की दिशा में जोरदार शॉट खेला, लेकिन फाइनल लेग पर खड़े 41 साल के जहीर खान ने हवा में छलांग लगाते हुए एक हाथ से अभूतपूर्व कैच पकड़ा। जहीर खान वैसे तो गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस हैरतअंगेज कैच के जरिए हर किसी को हैरान कर दिया है। भारत के बेहतरीन फील्डरों में से एक रहे मोहम्मद कैफ ने तो मैच के दौरान कैच लेने के बाद जहीर खान का खास अंदाज में सलाम भी किया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए।